इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल के बारे में। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिन का यूज किया जाता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंस या मॉलिक्यूल का कंपोजिशन डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोज कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, वही कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, ये कैप्सूल का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी अराउंड 49 यानी कि 49 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल को एल्कम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नॉनसेंस कंपनी है और बहुत सारी एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से डेक्सट्रोमीथोरफेन हाइड्रोब्रोमेट्स, क्लोरोफिनालमिथ मेलेट्स एंड फिनाइलेपिन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट जिलेटिंग कैप्सूल्स के अंदर डाले गए हैं। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट करता है ड्राई कप के इलाज के लिए, यानी कि सूखी खांसी के इलाज के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल एलर्जी के लक्षणों जैसे कि छींकना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, खुजली होना, सूजन होना, आंख नाक गले में या बंद नाक से राहत देता है। ये बलगम को पतला और ढीला करते हैं जिससे जमा हुआ कप आसानी से बाहर निकल जाता है, यानी कि एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल्स ट्रीटमेंट करता है ड्राई कप के इलाज के लिए, यानी कि सूखी खांसी के इलाज के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल रिलीव करता है आपको ड्राई कप से, यानी कि सूखी खांसी से आपको आराम दिलाता है। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल का डोज और डोसेंस की बात करें तो इसका डोज और डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है, और उसका डोज और डोसेंस आफ्टर मिस रहता है, यानी कि कॉब्जेल्स कैप्सूल को आफ्टर मिस दिया जाता है, यानी कि इसको खाना खाने के बाद दिया जाता है। और ये कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप उसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करिए, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किया जा रहा है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि ये कैप्सूल को ओवरडोज लेने पे कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। साइड इफेक्ट में हो सकता है आपको मछली आ सकती है, या फिर डायरिया दस्त हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको पेट भूलना हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको रशेस सकता हो सकता है, या फिर आपको ज़्यादा स्लीपिंग आना हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। डॉक्टर जितने दिन बोले उतने दिन कैप्सूल का इस्तेमाल करें, अपने मन से कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल के अंदर जो दवाई रहती है, यानी कि ब्रोमोएक्सिन, क्लोरोफिनालमिथ मेलेट्स, डेक्सट्रोमीथोरफेन जो कि रिलीव करता है आपको ड्राई कप से। इसके अंदर जो क्लोरोफिनालमिथ मेलेट्स होता है जो कि एक एंटी एलर्जिक दवाई है, जो एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी गिरना, छींकने की स्थिति से राहत पहुंचाता है। डेक्सट्रोमीथोरफेन हाइड्रोब्रोमेट से खांसी सप्रेशन से जो ब्रेन में खांसी के केंद्र की एक्टिविटी को कम करके कफ या खांसी से राहत देता है। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करिए, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करिए। अपने मन से एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताइए। एल्कोप कॉब्जेल्स कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल या कॉब्जेल्स कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।